नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के रिलेशन से सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बताइए कि आप लोगों का क्या रिलेशन है। तो बताते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा डिमांड में थी कि सायु कैसे स्टार्ट हुआ। तो आज आपके लिए फाइनली। तो हमने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें आप लोगों को हमसे क्वेश्चंस पूछने थे, एंड इतने सारे क्वेश्चंस आए जो कि हमें बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट करने पड़े हैं। कुछ कुछ कम से कम मेरे पे 10,000 से 15,000 आ गए, तेरे पास कितना है? इतने मेरे पास आए उसमें से क्वेश्चन, और इतने सारे क्वेश्चन उसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया। लोगों ने डीएम करके लोग मेल तक कर रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, इतने सारे आपके स्क्रीन पे दिखाई, इतने सारे क्वेश्चन है कि आपकी दोनों की स्टोरी, कैसे आप मिले, कैसे क्या हुआ, क्या कहां मिले, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सब हम वीडियो के एंड में बताएंगे, क्योंकि वो लंबी स्टोरी है। तो वो मैं नहीं चाहता कि अभी पहले ही आप जान लो, तो वीडियो के एंड में बताते हैं। पर उससे पहले दूसरे क्वेश्चन आपको मैं उसका आंसर देता हूँ। देखो मैडम को इंग्लिश मर्डी नहीं आती इसको। क्या क्वेश्चन है? बेस्ट सरप्राइज दैट यू बोथ हैव रिसीव्ड फ्रॉम वन अनदर। सरप्राइज, वैसे सरप्राइजेस तो सारे ही प्यारे होते हैं, जितने भी सरप्राइजेस होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। सो मेरे को वैसे इसने सबसे प्यारा सरप्राइज दिया था, सायु का 1 ईयर हुआ था तब इसने वो पेंटिंग बना के दी थी, तो वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल था और आज तक मेरे घर में टंगी हुई है। और इसने अभी मेरे को 1 मिलियन पे ये घड़ दी थी। सो तुम भी बताओ अपने, मैंने क्या कोई सरप्राइज नहीं दिए? मैंने भी दिए। आप लोगों को भी पता है कि मैंने कितने सारे सब्सक्राइबर भी देता हूँ, पर सरप्राइज देता हूँ, और कुछ सरप्राइज में बताती नहीं है। चालाकी वो सब आपके सामने है। नहीं नहीं, कुछ कुछ सामने भी नहीं है, जो नहीं है वही बता रही हूँ मैं। बर्थडे पे आपने वीडियो देखी होगी तो मुझे सरप्राइज दिया था, वीडियो वगैरह सब बना ली, जो भी किया था, लास्ट में आके मुझे साइड में कॉर्नर में बैठी थी, ये गिफ्ट ऐसे आके गिफ्ट दे दिया, और एक था हैंडबैग एंड ये था शेड। मेरे को कहता मैंने अगर एक्सचेंज करवाना तो एक्सचेंज करवाना, क्योंकि देख ले अगर पसंद नहीं आया तो। कितना टाइम लगा था मॉल में ढूंढ के लेके आने? नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने कुछ अलग चीज ढूंढी, क्योंकि सब लोग वो अलग अलग टाइप का था, वो दिखाई नहीं। तो मैंने डाला नहीं, क्योंकि इसको ये था, इसको शर्म आ रही थी कि मैं डाला, इसने व्लॉग में भी नहीं लिया। व्लॉग में मैंने इसलिए लिया, बताओ मेरे को गिफ्ट व्लॉग में दिखाना अच्छा नहीं लगता, बट वो पहले टाइम था तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने व्लॉग के बाद में दिया। हैंडबैग दिया था बर्थडे पे और एक शेड दिए थे। ओके, जो कि मैंने आज तक हैंडबैग यूज नहीं किया। नहीं किया था क्या? किया है। मैं बताता हूँ, ये गोवा गई थी जब ऐसे ऐसे टांग के घूम रही थी हैंडबैग। अच्छा, गोवा में यूज किया था बीच पे। सायु फॉर एवर लाइफलाइन। जा मैं बोलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सायु फॉर एवर लाइफलाइन 7100 का। आप दोनों तो मेरी जिंदगी हो, पर फिर भी आप दोनों को क्यूट सा सवाल एक दूसरे से कि आपको क्या शिकायत है, अपने मेरे को तो एक दूसरे से क्या शिकायत है। मैं अगर मैं कसम से कर रहा हूँ, अगर इतनी मोटी मतलब लाख पन्ने वाली किताब भी दोगे ना, वो भी भर जाएगी इसकी शिकायतों से। मारपीट करते हैं, वॉयलेंस कौन करता है यार? और अगर बंदे की तबीयत खराब है ना, तो भी बंदा इसको खाना खिलाएगा पर ये नहीं उठेगा। तो यही शिकायत मुझे तुमसे, ये शिकायत है कि आलसी हो तुम। आलसी हूँ माना, अब वो क्या करें, है वो आलसी, पर ठीक है, कोई नहीं, होना चाहिए आलसी क्या। और इसी वजह से ना हमारी वीडियोस बहुत कम आती है बहुत बार, क्योंकि आलस आलस करते करते ना वो लेट हो जाता है। तो इतनी सारी शिकायतें अब क्या क्या बताऊं, पर फिर भी ये है कि टिन आती, मतलब टिन पूरे चैं। मेरे को ये है कि मतलब अगर कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, शांति से बैठो, सोचने दो, समझने दो, पर पूरे दिन आप अगर 24 घंटे इसके साथ रह लिए तो आप अपना कान देना पसंद करोगे, सुनना पसंद नहीं करोगे। तो एटलीस्ट
मैं रहती हूँ तो ऐसे मजा तो आता है ना, कोई मजा नहीं आता, रौनक ही नहीं होती मेरी, रौनक रौनक। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो देखो ओवर एक्टिंग, 50 रुपए काट लो उसके। मैम जुनेजा जी ने क्वेश्चन पूछा है, आप कहाँ रहते हो? बेसिकली मैं मध्य प्रदेश गुना सिटी, छोटी सिटी से हूँ, पर मैं रहता दिल्ली में हूँ। और तू बता अपना। मैं भी राजस्थान बिलियंगा से हूँ, पर रहती दिल्ली में हूँ, गुड़गांव में। आर्या बम्बाड़े, हमारी उसमें हमने बताया था, तो हम लोग नवम्बर में मिले, अच्छा ये तो बाद में बताना लास्ट में, नवम्बर में हम लोग मिले और दिसंबर में हम लोग ट्रिप पे चले गए। वांकड़े अंडरस्कोर शांताराम की तरफ से, पर उनका नाम तो आयुष है, पर आप उन्हें सायु क्यों बुलाते हो? बताइए बताइए क्यों बुलाते हो? इसका नाम आयुष है, मेरा नाम है सलोनी, सायु मतलब सलोनी का ऐसे, आयुष का आयु। हाँ, तो दोनों को मिक्स करके सायु बनता हमने है। सायु बनाया था, जब हम लोग मिले थे हम वीडियोस बनाना शुरू किए, हमने बहुत प्यार से नाम रखा था सायु, ताकि हम मतलब आप लोगों के लिए भी इजी रहे, क्योंकि सलोनी आयुष दोनों को मिक्स करके एक सायु बना दिया था, तो बहुत ही प्यारा नाम निकला और आप लोग उसको बहुत प्यार देते हो, बहुत ज्यादा प्यार देते हो। हमने बिलीव नहीं किया था, हमें एक महीने के अंदर इतना ज्यादा सायु फैन, सायु ग्रुप, सायु के नाम से इतने फैन पेजेस बने, तो थैंक यू सो मच, वी लव यू। एंड वैसे एक क्वेश्चन पूछा भी गया है सायु फैन की तरफ से ही, सायु एक्स हार्टबीट ने, दीदू आप दोनों हम सबसे कितना प्यार करते हो? हम लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब जितने मेरे हाथ से फैल नहीं सकते ना, उतना ज्यादा प्यार करते हैं हम दोनों साथ में, मतलब आप लोग मतलब कितने प्यारे हो आप लोग। मैं और इवन आयुष अगर कुछ ऐसा देखते हैं और मैंने नहीं देखा होता तो आयुष मुझे फॉरवर्ड करता है, और अगर मैं कुछ ऐसा होता है तो मैं उसे फॉरवर्ड करती हूँ, हम लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है हम लोग रिप्लाई करते हैं, ऐसे ही प्यार करते रहो और सायु फैमिली को और बढ़ाते रहो। नेहा पाटिल की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दोनों की फर्स्ट वीडियो, हम दोनों की फर्स्ट वीडियो थी, आयुष पहले चल तुम बता। हम दोनों की फर्स्ट वीडियो थी, एक वो वीडियो बनाई थी हमने ऐसे ऐसे वाली, मतलब यहाँ पे अटकाने वाली, वो वीडियो में आपको इस आयुष चप्पल कहाँ है, जाना यार, कोई देना यार, क्या मारू मैं इसको, फर्स्ट वीडियो वही थी आयुष, नहीं थी फर्स्ट वीडियो, आपको याद नहीं है आपने रोज वाली थी, रोज हाँ तो रोज वाली थी, वही तो बोल रहा था ना, ये करके ऐसे रोज घुमाते हैं, कितनी ओवर एक्टिंग करती है, कितना गंदा। मैं आपको वो वीडियो खींचने वाली ना बाद में बनाई थी, फर्स्ट वीडियो वो रोज वाली थी, देखो आने में टाइम लग रहा था बार बार, तो फर्स्ट वीडियो रोज वाली थी, वो मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ स्क्रीन पे, दिख रही होगी आपको ये वाली वीडियो है, और बहुत प्यारी वीडियो बनी थी, पहले टाइम ही पहले दिन ही इतनी प्यारी, इसको टेक लेने में आराम से 10-11 टेक लगे, इसको इतना टाइम पे नहीं आ रही, इसको इतना सिखाना पड़ा मेरे को, देख क्या रियलिटी है, थैंक यू बहुत। सलोनी जोशी 790 की तरफ से, आप बोलो, आप दोनों कभी ट्विनिंग क्यों नहीं करते, प्लीज आप ट्विनिंग करना, एंड लव यू टू पहले तो, एंड ट्विनिंग हम लोग करते थे, एंड बाय चांस आज भी हम लोग ने करी, हमने सोचा था कि साइड में हम लोग रेड, हाँ थोड़ा रेड मैंने पहना था, तो मैंने सोचा था कि रेड वाला पहनूंगी कुछ ऐसा, तो हम लोग ट्विनिंग पहले करते थे जब हम लोग वीडियोस बनाते थे टिकटॉक पे, तो हम हमेशा, आप देखना हमारी पुरानी वीडियोस में, हमेशा अगर इसने रेड पहना है तो मैंने रेड पहना है, ब्लैक ब्लू, पर अभी मतलब वही सब सब कंसेप्ट ना, सब कपल्स कॉपी करने लग गए, सब वही वीडियोस में सेम सेम, तो हम अपने छोड़ दिए, हम थोड़ा सा कंटेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं और ये कपड़ों पे हम थोड़ा सा पीछे है, पर हाँ अभी अगर कोई इवेंट होता है ना, कोई इवेंट होता है ना, तो आयुष उससे पूछते क्या पहन रही है, उस हिसाब से पहन, मैं बताता हूँ आपको कपड़ों में क्या रखा है, कंटेंट और कंसेप्ट में दम होना चाहिए, और आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, हमारी वीडियोस को प्यार दिखाते रहो, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। आयुष जब कोई इवेंट होता है ना, जैसे अभी एक फ्रेंड की पार्टी थी, अच्छा तू ब्लैक पहन रही है, अच्छा ठीक है चल फिर मैं भी ब्लैक पहनता हूँ, अच्छा लगूंगा, मैं ब्लैक में अच्छा लगता हूँ, इसलिए मैं ब्लैक में अच्छा लगता हूँ, ये झूठ बोलने के तरीके, कितना मारती है, कितना मारती है। सुमन परिहार की तरफ से,
आप एक दूसरे को प्यार से क्या बुलाते हो प्लीज एंड पिक माय क्वेश्चन दी। ये तो पूरी दुनिया को ही पता है कि मतलब इसको मैं प्यार से क्या बुलाता हूँ। मैं बुलाता हूँ टिंटिनिया, क्योंकि ये पूरे दिन टिंट नाती रहती है, इधर से तो उछलती रहती है पूरे टैं पैं टैं चूं किं टैं टिं टुं टिं टडा डडा डडा, तो मैं इसको नाम ही रहती प्यार से मैं टिंटिनिया, क्योंकि टिं 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 वो वाला। तो इसलिए आयुष मैं उससे पहले भी तुम मुझे एक चीज बुलाती नहीं, मैं स्टार्टिंग में स्टार्टिंग थर्ड जब मैं आपसे मिली मिली थी तब आप मुझे कुछ बोलते थे। नहीं बोलता। आयुष क्या बोलता था? मैं कुछ नहीं बोलता। आयुष बोल क्या बोलता था? टिंटिनिया से पहले नहीं, मैं हमेशा टिंटिनिया बोलता। एक चीज बोलते बोल नहीं बोलता था। कुकू तो कुछ और रीजन से था वो, उसके भी जिसने कुकू बोलता था क्योंकि मतलब जिसने भी नहीं वो नहीं बोला। सो नेक्स्ट, अच्छा मैंने तो बता ही नहीं मैं क्या बोलती। आदू के ये क्या बोलती इससे पूछो। मैं तो इसको क्या बोलती हूँ, आयु बोलती हूँ, बेतू बोलती हूँ, और क्या बोलती हूँ, आयु बोलती। आयु सही लगता क्योंकि मेरे को आयु बेतू 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 हाँ मम्मी है ना बेटू और किसी बेटू बेटू आई एम आस्था की तरफ से। आई एम आस्था। सो हु माफी कौन पहले मांगता है, मतलब इसका मतलब आपको इस शक्ल पे क्या लगता है? मी, क्योंकि बिना लड़कों का जन्म सिद्ध अधिकार है, बिना गलती करे भी माफी मांग रहे हैं बेचारे। कितनी मतलब गलती कुछ नहीं करता भी, मैं बता रहा हूँ लड़की गलती करे ना करे उसका हमेशा लगता है सामने वाला गलती करता है, और लड़की गलती कर भी ले तो भी नहीं मानेगी, और हमेशा यही रहता है लड़कियों का क्या कर सकते हैं बताऊं, मैं क्या करूं, कोई मुझ गया जस्टिस दे दो यार प्लीज। इसके लिए मैं बोलूंगा जस्टिस फॉर बॉयज, सारे जस्टिस सारे लड़कों के लिए जस्टिस, बेचारे माफी मांग मांग के थक जाते हैं और बिना गलती करे वो भी। हु इज फनियर? आयुष सबको पता। अच्छा सबको पता, तुम तो शांत रहते हो, तुम तो कुछ ऑडियंस को डिसाइड करना, आप कमेंट करके बताओ हम दोनों में से फनी ज्यादा कौन है। मैं आपको पता है, आप ब्लॉग देखते हो सारे, तुम तो बल्कि कुछ बोलते ही नहीं। आपको पता है ना, आपको पता है ना फनी मैं ज्यादा पसंद। देखते हैं चलो, आप कमेंट करके बताना हम दोनों में से फनी कौन है, पसंद कौन ज्यादा, जल्दी कमेंट कर दो। देखते हैं। ड्रीमी पिक्सल की तरह से, हाउ आयुष रिएक्टेड ऑन योर सर्जरी एंड हाउ ही हेल्प्ड और टेकन केयर। सर्जरी नहीं मतलब जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी पहले से। क्या तुमने क्या किया था? तो आयुष वैसे ना जब मुझे वो हुआ था तब ऐसा था अरे तो ये तो घर पे था, किया कुछ नहीं था वैसे तो आयुष को ही सबसे पहले मैंने बताया था जब मुझे ऐसे फील हुआ था कि मेरी एक आंख चलनी बंद हो गई थी और ऐसा करके कुछ, तो फिर मैंने उसे बताया, वीडियो कॉल पे रो रही थी। ये था सुमित था एंड मैं थी, और मैं वीडियो कॉल, मैं पहले इसको रो रही हूँ फिर ये सुमित को कॉल पे लिया कि इसको समझा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा ट्रीटमेंट। उसके बाद बस डॉक्टर ने बताया, फिर चीजें नॉर्मल थी, चलती रही, हम कर फोन पे बात कर लेते थे, बस लॉकडाउन था। फिर जैसे मेरा ट्रीटमेंट सही हुआ तब तक बड़े इस लड़के ने कोई काम नहीं किया, ये डेली नहीं आया, इसने कोई वीडियोस नहीं बनाए, घर पे ही रहता था, है ना। लड़के ने मेरी वजह से काम छोड़ दिया था। झूठ झूठ झूठ, मैंने इतना ध्यान रखा और बोल रहे ध्यान तू था क्या बेटा? ओ मतलब ठीक, कोई नहीं बेटा। हाँ तो मैंने बोला ना तुमने काम नहीं किया था, दिल्ली नहीं आया मेरी वजह से, क्योंकि मैं नहीं थी, तेरा मन थोड़ा ना लगता मेरे बिना। जिस दिन दिल्ली आया ना उस दिन मैंने, कल फ्री है ना मैं आ रहा हूँ, और लिटरली आने के बाद ना सांस नहीं आ रहे थे कि आ गया हूँ, एक बार मिलने आ जा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि शायद आप लोगों को भी, आप लोग तो उसके फेवर में होंगे पूरे। आयुष आ गए ना, सलोनी दी आपको कालू ज्यादा पसंद है या फिर आयुष भैया? ऑब्वियसली कालू। ये कालू इतनी लड़कियों को पागल करने फिर रहा है ये। तो आप लोग कमेंट में बता दो कालू ज्यादा प्यारा अच्छा, है या आयुष? अच्छा आप दोनों एक बार कमेंट में मेरी और इसकी शक्ल देखो, हम दोनों में से प्यारा कौन, आप कालू या आयुष प्लीज कमेंट करके बताओ, कालू और आयुष जंग छेड़ दो, जस्टिस फॉर आयुष, आयुष को जिताना। कालू आप लोग चाहिए, अगर कालू जीत गया ना मैं सच्ची बता दूं कालू की 5 वीडियोस फनी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, और अगर मैं जीता ना तो मैं बताऊं वीडियोस रोज रेगुलर लाऊंगा, जल्दी जल्दी हर हफ्ते 2-3 वीडियो ब्लॉग लाऊंगा। आप विश्वास मत करो, ये वैसे भी आलसी है। नहीं तो आपको ब्लॉग चाहिए रेगुलरली तो कमेंट कर दो, 10,000 कमेंट हो जाना चाहिए आयुष। चप्पल मैं सच में उठाऊं जय सरदार? नहीं ये ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है, पूरा क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूं। उनका कहने का मतलब ये था कि सलोनी की लाइफ में आयुष कितना इंपॉर्टेंट है और आयुष की लाइफ में सलोनी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बताना तो पहले तू बता। मैं तेरी लाइफ में कितना सलोनी दीदी नहीं, जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, झूठ मत बोलो, आओ बोलो। इंपॉर्टेंस यही है
इम्पोर्टेंट सारे लोग होते हैं और ये कुछ खास है तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कितनी कितनी खुश हो रही, कितनी कभी कभी खास कभी झूठ बोल देना चाहिए। ऐ जी जी तूने ऐसे बोला, तूने ऐसे ही बोला, अब मैं किसी बात की कहेंगी। मैंने कैमरे पे ऐसे बोला, कैमरे पे ऐसे बोला तूने? अब तू बाद में देखना, कैमरे के बाद देखना, तेरे को मैं चप्पल से मारूंगी। बोल बोल बहुत पिटोगे तो अगर इस वीडियो के बाद मेरी पिटाई हुई। हाँ याद नहीं तुम्हें प्रैंक वाली पिटाई? बहुत बहुत मारती, बहुत मारती। निधि डॉट गौतम की तरफ से, इफ सलोनी दीज एनी प्रॉब्लम सो व्हाट यू विल डू, यू विल हेल्प हर और विल गो अवे। आज तक इतनी प्रॉब्लम्स हुई, जितनी भी सिचुएशन हुई, जितनी भी डिफिकल्टी हुई, आज तक अगर मुझे कुछ भी मुझे अभी आज तक भागा होता है ना तो फिर मैं इसको बताती हूँ कि ऐसे। और मैं सारी सिचुएशन एक होता है ना, जैसे मैं इसका एडवाइजर, सारी चीजों में हेल्प करता हूँ जितना भी हो सकता है, करता हूँ इसको। अभी मानती नहीं है, बस वो बात हो रही। बोल बोल। According to you, does Saloni D need makeup? Answer in real. I need makeup. देखो आंसर था, makeup इसको जरूरत है, but ये without makeup ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे को मुझे ज़रूरत है, but without makeup क्योंकि क्या होगा? क्योंकि इसको लगता है ये मेकअप में अच्छी लगती है, तो वीडियोस वीडियोस के लिए मेकअप कर लेती है, बट रियल में ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि जब भी मैं जैसे देखो बाहर भी कभी कोई कोई भी जा रहा होता ना, नॉर्मल सिंपल ऐसी लड़की जा रही होती है ना, ये सिंपल कपड़े पहन के नॉर्मल लोअर टी शर्ट में, वो बहुत अच्छी लगती है। जो ज्यादा तैयार होकर घूमती हूँ लड़की, मुझे पसंद है। आपके फैमिली आपकी वीडियोस देखते हैं या नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हाँ देखते हैं। तो हम दोनों की फैमिली वीडियोस देखते हैं, मेरी फैमिली भी देखती है, इसकी फैमिली भी देखती है, इसकी इसकी मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा देखते हैं, मेरी सिर्फ मम्मी बहुत ज्यादा देखती है। मेरे पापा को मेरी फनी वीडियोस और इसके साथ या कालू वाली वीडियोस मेरे पापा को बहुत ज्यादा पसंद है। फैमिली देखती वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे सामने देखती तो भैया पूरे प्रॉब्लम होती है। मेरे सामने फोन करके मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे शर्म आती है, मुझे पता नहीं अजीब सा लगता है। तो मैं बस उनसे कहता हूँ जब मैं आपके पास नहीं होता, जब देखो वीडियो, मैं जाता हूँ वीडियो देखे, बस मेरे सामने ना देखो, मैं पसंद नहीं मेरे सामने कोई भी वीडियो देखता है मेरे सामने, मुझे पसंद नहीं। चुपके आप देखो, अकेले में देखो। और फाइनली जिस जिस क्वेश्चन का आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे और इतना ज्यादा वेट किया आप लोगों ने, मतलब उस क्वेश्चन के लिए कि आप लोग कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, कब मिले पहली बार, कितने टाइम हो गया, ये वो ऐसा वैसा एंड ऑल। So, उसका मैं चल तू स्टार्ट कर। ऐसा हुआ था कि मैंने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डालना शुरू किए एंड उसके बाद मुझे एक वीडियो मेरी थी जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुई थी एंड मेरे पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के मैसेजेस आए, तो उसमें से एक आयुष यादव था एंड आयुष झूठ मतलब काना जी की कसम, काना जी की कसम मैं जो बोलूंगी वो सच बोलूंगी। मैंने बस इतना तो बोला था, इसने वीडियो इसने हेलो भेजा मुझे, इसने मेरे को हेलो भेजा, मैंने आगे से इसको हाई कर दिया। अब तो सुनो फिर वीडियोस वगैरह कुछ नहीं बता रही, मेरी सुन मेरी बात तो सुन ले, नॉर्मल स्टार्टिंग के पांच वर्ड्स की बात बता रही हूं मैं, वर्ड के बाद इसने वैसे वीडियोस वीडियोस की तारीफ करी मेरी वाली वीडियो की जो वायरल हुई थी, और फिर मैंने भी इसकी वीडियोस की तारीफ कर दी कि आर यू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस आई लाइक इट, तारीफ करने लायक हूं। और इसका ना इतना सा आ गया हेलो और मैंने हेलो करके छोड़ दिया, इसके बाद इसने सीन करके छोड़ दिया। मैं सीन करके छोड़ देता हूं बाद में, क्योंकि ये बात मुझे अभी याद है क्योंकि एक दिन हमारी इस बारे में बात हो रही थी तो मैंने वो चीजें चेक करी थी। इसने वैसे वीडियोस का पूछा एक दिन, फिर मैं उस दिन फ्री नहीं थी। उसके बाद एक दिन मेरा सीपी में कोई मीटिंग वगैरह थी, उसमें ही बोल दे मैंने बुलाया था, मैंने बोला था, तो इसने मेरे से जब ऑफर किया था तब मैं फ्री नहीं थी। और उसके बाद मेरी सीपी में एक दिन मीटिंग थी, आगे हो गए बैठ, तू पक्का कुछ पीछे झूठा इशारा कर रहा होगा सीपी में। अगर मुझे बोलने नहीं देखो, जब किसी इंसान को बोलने ना दिया जाए ना, ठीक है मैं बोल ही नहीं रही। हाँ तो ये हुआ था, मैं बताता हूँ। नहीं बोल ही मत, इसने मेरी वीडियो ही बंद कर दे। नहीं इसने मेरी वीडियोस की बहुत तारीफ करी थी, बोली थी तुम्हारे कॉन्सेप्ट और कंटेंट बहुत अच्छा है, और ये देख झूठ बोल रहे हैं सर यहाँ, मैं झूठ काना जी की कसम मैं तेरे ना वीडियोस भी देखे। उसके बाद इसने मुझे सीपी मिलने इसने बुलाया था मुझे, और मेरा सच बताऊं उस दिन मिलने का जाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं सो रहा था और मैंने सोचा सो जाता, पर इसने मेरे को कॉल करा था शायद या कुछ मैसेज किया, नहीं मैंने इसको मैसेज किया, नींद खुल गई थी, चले यार मेरी बात आते हैं एक बार ऐसे। तो इसने बोला कि नहीं ऐसे, मैंने कहा आप मुझे बता दो मीटिंग वगैरह है, तो सुबह में ना इससे बात हुई। अब पता है क्या हुआ, मैं इसको पूछा कि पता नहीं वीडियोस में पता नहीं चलता ना सामने वाले की हाइट क्या है, तो मैंने ना इसको निकलने से पहले बोला इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर हाइट, मैंने कहा क्योंकि मैं 5'7" हूँ और अगर आप लंबे हो गए तो वीडियोस का वो है, कहता ओ फिर ना इतना खुश हुआ ना क्योंकि फिर मेरे को कॉम्प्लीमेंट देता, कहता ओ सो नाइस, मुझे ना लंबी लड़कियां पसंद आई, झूठ बोल सुना 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 देखो देखो जेन्युइन फैक्ट है, मुझे लंबी लड़कियां पसंद है, ऐसा नहीं देखो पसंद है, लंबी जो हाइट की लड़कियां होती है सारी पसंद है, क्योंकि उनकी
अच्छा अच्छी लगती है, मतलब लंबी लंबी हाइट की लड़कियां अच्छी लगती हैं, वो तो मैं बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ। हाइट तो पर झूठ बोल रहे, तूने मुझे तारीफ करी थी ना, तो मैंने यही बोला था लंबी हाइट की लड़कियां पसंद है। नहीं तूने मेरे लिए बोला था। तेरे कैसे? हाँ चल ठीक है, जो भी। रिवीस ने मेरे को पहले दिन भी आधा घंटा वेट करवाया, क्योंकि मैं मेरा नियम है हमेशा से, बताओ लोग भले ही बोलते हैं कि आप लड़की को वेट मत कराओ, बट हमेशा आप 10-15 मिनट लेट ही जाइए पहले दिन, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आप वेले नहीं हो, रियलिटी है। और मैं लाइफ में वेला वैसे भी नहीं है, तो मैं हमेशा थोड़ा सा मैं टाइम का लेट रहता हूँ। पहले हम मैगी खाने गए, इस भूखी को भूख लगी थी जाती, और मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाए थे, याद हो तो। अरे देखो पहले दिन लड़की अकेली मिलती है तो वो शो ऑफ नहीं करती वो, बस। और उसके अगले दिन से जो उसने बर्गर ठूसे हैं और जो पिज्जा खाए हैं, जज्बात पलट दिए, सब कुछ पलट दिया, उसके बाद खाए जा रही है। बहुत कॉमन चीजें थी इंडस्ट्री के बारे में, तो हमने वैसे बातें कर रहे थे हम लोग, फिर इसने वीडियो बनाई और ये पहली वीडियो में जो क्या ही बोलो क्या वीडियो बनाई, मुझसे नहीं बन रही थी ये, मेरे को बुला रहे हो ऐसे कर रहा है, आगे आ जाओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा की कैसे आना है, क्या डायरेक्शन हो रही है, तो बस ठीक है वीडियोस बनाई पहले दिन, फिर वीडियोस बनने के बाद हम लोग मिले थे, कहाँ मिले थे, सिटी के अंदर बी ब्लॉक, और वीडियोस बनने के बाद फिर अच्छी लगी तो वीडियोस डाली अच्छी लगी, फिर ऑडियंस से इतना ज्यादा प्यार मिला, तो फिर अगले दिन हमने फिर से वीडियोस बनाई। उसके नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग पे जाना था, कोई काम था, तो उस दिन हमने नहीं बनाई। उसके नेक्स्ट डे फिर तो हम लोग कंटिन्यू वीडियोस बनाना ही शुरू हो गए थे। थर्ड डे हमने वीडियो बनाई, फोर्थ डे ये मेरे फ्लैट आए थे उधर घर इधर गुड़गांव में वीडियो बनाने, क्योंकि मैंने कहा था मैं कितनी बार आऊँ डेली, आप लोगों को भी आना चाहिए, और जी जिस दिन मेरे घर आए उस दिन इन्होंने वीडियोस ही नहीं बनाई, बैठे रहे। फिर एक साल सायु को हो गया, फिर आगे और अभी तक वीडियोस बनाते जाते हैं, और अभी तो पता नहीं कब तक वीडियोस बनाते जाएंगे आप लोगों को, मारती जाऊंगी और ये बहुत मारेगी, और आप लोगों को ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे हमेशा। सो एंड ये वीडियो भी होती है यहीं पे खत्म, अगर आपने इस वीडियो पे इतना ज्यादा प्यार दिया, एंड मैं ज्यादा लाइक नहीं बोलूंगी, 90,000 अरे 90,000 2,00,000 लाइक इस पे आप आराम से कर दोगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं 90,000 का सोच के चल रही हूँ, नहीं 2,00,000 लाइक आप करो, देखते आप मुझसे पसंद करते हैं, उनके लिए होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। अगर देखो शर्ट लगी, अगर 2,00,000 लाइक आ गए इस वीडियो पर, 2 या 2.5 लाख नहीं 2,00,000 लाइक आ गए ना इस वीडियो पर, तो मैं रेगुलर वीडियोस डालने लगूंगा, आज को टॉफी भी दिला दूंगा, और आप लोग रेगुलर वीडियो 90,000 से भी ऊपर आ गए ना, 90,000 से भी ऊपर आएगा तो सिर्फ चॉकलेट खिलाएगा। हाँ चलो ठीक है, अगर इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम लिंक है यहाँ पर जाके आप मैसेज कर सकते हो कि हमें दूसरा चाहिए, एंड जब भी हम लोग नेक्स्ट स्टोरी अपलोड करेंगे तो आप उसमें अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि हम सेकंड पार्ट बनाएं जल्दी, और कमेंट करके अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए आप क्वेश्चन जो भी आपको सही लगे आप कर दो, ऐसे ही प्यार देते रहो साइयों को, हम दोनों को साथ में प्यार देते रहो, और ऐसे ही बस आप लोगों से बहुत सारा प्यार, नेक्स्ट वीडियो के सजेशंस भी देना, चलिए लव यू गाइस।